अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू मुसाफिर से। इतने दिन के साथ सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और याद आया कि पीछे एक पार्सल पड़ा हुआ है कि भाई साहब रात को तकरीबन 10:30-11 बजे के टाइम तक, तो उस टाइम पे ये देने आए थे। आई डोंट नो कि कौन सी डिलीवरी कंपनीज हैं, कार्गो वाले हैं, जो रात को 11-11 बजे तक भी डिलीवर कर रहे हैं। आई डोंट नो, चलें। और हालांकि अगर ये ऑफिस के रिलेटेड मैंने एड्रेस दिया हुआ है, ये वाला जहाँ पे डिलीवर होगा, तो रात को 11 बजे ऑफिस में कौन होता है? अभी कुछ ऑफिस का एक्टिविटीज़ हैं, वो पहले ख़त्म कर लेते हैं ताकि कि इन चीज़ों से क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद स्टूडियो की तरफ जाएंगे, क्योंकि स्टूडियो का काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। तो सारा तो कम्प्लीट तो नहीं हो पाएगा आज, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। बाकी इंशाल्लाह 1-2 दिन में कवर अप कर लेंगे, क्योंकि उसका काम फिनिश होना है। फिर उसके साथ 1-2 और नए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, उनका काम स्टार्ट हो जाना है। तो बस इसी तरह चल रहा है सारा कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चलते हैं स्टूडियो में और वहाँ पे जो काम रहता है पेंडिंग उसको चेकआउट करते हैं, कितना है और कौन सा वाला करने वाला है, तो उसको देख लेते हैं। आज जो है वो हमने दो काम पे देख के विंडो क्लोज करनी है, ऊपर से इसकी जो कर्टन्स का लगा हुआ है ये भी उतार देंगे और इसको क्लोज करके इसके ऊपर फिलिंग करेंगे, ताकि इसको बिल्कुल प्लेन कर देना वॉल को ना, तो क्लीन कर देंगे। पहले ये उतार लेते हैं, फिर इसका साइज़ वगैरह मेजरमेंट करके, तो फिर शीट्स वगैरह सामान जो चाहिए वो हमें ले आते हैं बाहर से मार्केट से, फिर आगे इसके ऊपर लगाते हैं। उससे टेम्परेरी जो है ना वो बंद करें, वो बंद भी अगर फिर इस वजह से हो रहा है कि पीछे से सनलाइट और जो नेचुरल लाइट है वो अंदर ना आए, उस वजह से बंद करें। अगर वो नेचुरल लाइट जो है उसका प्रॉब्लम ना होता है, हम इसको बंद ना करते हैं, तो उसे इस वजह से बंद करें। इसके आगे सिर्फ शीट इसलिए लगा रहे हैं ताकि लाइट बिल्कुल ज़ीरो हो जाए बाहर से। तो बाकी इसकी साइड के कॉर्नर जो है वो उसको पैरस से, जो प्लास्टिक पैरस है उससे फिल कर देंगे, ताकि बिल्कुल हल्की सी भी लाइट ना आए। 4 से 5 मैक्स में हो गया, ATM कैसे नहीं ओपन, सारे ATM क्लोज जा रहे हैं, समय से बात रहा है। ये PI रोज कम्प्लीटली कुछ तो ATM रेगुलर कैसे थे मुझे बंद मिलते हैं, और अभी तो जो ओपन भी मिलते हैं वो भी बंद जा रहे हैं। अभी 2 बैंक और हैं वो चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर कहीं और जाना पड़ेगा। अभी चलते हैं वुड वाली शॉप पे, तो वहाँ से शीट्स वगैरह ले लेते हैं, और उसके बाद जो है अगर यहाँ से मिल गई ठीक है, नहीं तो फिर टाउनशिप मार्केट में। ऑफिस आ गए और अभी कुछ सामान जो है वो रहता है वो ऑटो वाला ले जाएगा, तो आई थिंक आधा घंटा लग जाएगा उसका, तो तब तक जो है अपना खाना वगैरह खा लेते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि 3-4 बार जो है वो कभी ऐसे करते हैं कभी वैसे करते हैं। अभी आप देख लेंगे पीछे भी शीट्स लगा के मैं देख रहे थे आगे, तो आप उसको बैलेंस कैसे करना है कि उसको कैसे स्टेबल रहे पीछे, वैसे साइडों पे लग रहा था लेकिन मिड से आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो अभी मैं मूव को दोबारा भेजा तो वो गया था अभी जाके वो ये लेके आया है। वुड की स्टिक्स जो होती हैं बैक पर लगाएंगे, इसका फ्रेम बनाएंगे, फिर इसको जो है घंटे की मेहनत के बाद फाइनली एक कवर अप कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनको बोला कि साइडों पे जो कॉर्नर है उनके ऊपर की लगा दें, तो ये कवर अप हो गया। अभी फिलिंग करनी है
कवर रखते ताकि बाहर से जो सनलाइट आ रही थी वो हमने कवर कर दी है, तो फिलअप हो जाएगा, फिर ड्राई हो जाएगा इन शब्द कल को जो है हम उसका काम चालू करेंगे ताकि कि रात को जो डस्ट वगैरह होगी वो भी एक नीचे बैठ जाएगी और पिकल को आगे बस फाइनल ड्रॉ करेंगे। काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, 10% रह गया। महमूद कर रहा है वो काम कर रहा है, तब तक हम शावर वगैरह लेके चेंज कर लेते हैं क्योंकि जिम का भी टाइम हो गया 6 बज के, तो फिर जिम के लिए भी निकलना लेट हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हो चुके हैं, शावर वगैरह ले लिए, बाहर का वेदर बहुत ऑसम हुआ इसलिए बाहर आया था उसे देखने के लिए, और अभी जो है वो देखने नहीं आया था एक्चुअली, ऑफिस वाली विंडो जो थी वो क्लोज करने आया था, मतलब वेट कर रहा हूँ जरा महमूद फ्री हो जाए क्योंकि वो ऑफ करेगा फ्री होने के लिए, और उस लड़के को मैंने कहती वो तो निकल गई, मैं महमूद इधर है। मौसम वेदर बना हुआ है, बाहर बारिश हो रही है, अभी टाइम हो चुका है 9 बजे का और जिम से वापस आ गए, शावर वगैरह ले लिया था, मेरे जिम से काफ़ी लेट हो गए थे, 8 बज गए थे जब वापस आए, फिर आगे घर बात करने लग गया, साथ में आटे वगैरह की डो वगैरह बना के रख ली थी लेकिन अभी रोटी नहीं बनाई, तो अब रोटी जो है वो कोशिश करूँगा कि मीटिंग जल्दी एंड कर दूँ तो फिर उसके बाद बना लूँ अगर 10 बजे से पहले पहले फ्री हो गया तो, क्योंकि कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, और अभी जो है बस आ गया हूँ क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, बल्कि स्टार्ट हो चुकी है, मैं ज्वाइन करने लगा, तो इंशाल्लाह फिर फ्री होकर बात करते हैं। मैंने चीज़ें इसकी डील ऑर्डर की थी तो उसने काफ़ी टाइम ले लिया और उन्होंने एक्सक्यूज़ भी किया इस चीज़ के ऊपर, एक्चुअली उनके पास इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से जो है उन्होंने एक्सक्यूज़ किया, तकरीबन वैसे 35 और 30 मिनट्स का टाइम होता है और 55 अबव टाइम हो गया था, उसके बाद जाके डिलीवर हुआ, और ये थोड़ा सा इसलिए हेल्थी भी होता है क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयल से वाइड है ये चीज़ें दोनों, रेबिक रोल मंगवाया और साथ में बिहारी रोल है, और ये दोनों चीज़ें जो हैं विदाउट ऑयल बनती हैं और फिलिंग भी जो होती है वो भी ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों की, सारी नेचुरल चीज़ें होती हैं लेकिन थोड़ा सा हेल्थी चीज़ें जो हैं वो इनमें होती हैं। बाकी इंशाल्लाह बस अभी खाना खाते हैं और फिर खाना खाने के बाद कुछ थोड़ा सा काम करने वाला है, अभी भी मैं लैपटॉप ऑन करके बैठा हूँ तो कुछ कर रहा हूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा 1-2 जो है बाहर के राउंड्स लगाऊंगा ताकि थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद सोने की कोशिश करेंगे।